अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 6.4 मैथ क्लास नाइन के मुतल है नया एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन हमारे पास किस फॉर्म में है फाइंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग ये जो हमारे पास नीचे दिए गए हैं इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है एलसीएम फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स ये जो दो वैल्यूज़ है एक पॉलीनोमियल ये हुआ दूसरा हुआ। With the help of HCF, हमने फाइंड आउट करना है एलसीएम इन दोनों पोलिनोम का किसकी मदद से एच के तरीके के तरीकेकार से हमने क्या फाइंड आउट करना है एलसीएम फाइंड आउट करना है अब ये जो क्वेश्चन जिस तरीकेकार से हम सॉल्व करेंगे पिछले जो एक्सरसाइज था 6.3 उसमें हमने जो प्रोसीजर अप्लाई किया था सेम एज इट इज़ यहां पर भी अप्लाई होगा स्लाइड से चेंजेस आएंगे आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम क्या देखते थे दो वैल्यूज़ है हमारे पास एक बड़ी है और एक छोटी है तो छोटी वाली को हम बाहर रखते हैं और बड़ी वाली को हम अंदर रखते हैं छोटी वाली से बाहर बड़ी वाली को डिवाइड करवाते हैं तो अब देखें कैसे मालूम होगा पहली वैल्यू को देखते एक्स का क्यूब एक्स का क्यूब दोनों सेम हैं अगली वैल्यू एक्स का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर मगर यहाँ पर सिक्स है तो क्या हुआ ये वाली बड़ी हुई आगे चलते हैं एक्स सेवन एक्स वन और टू तो ये वाली वैल्यू हमारे पास बड़ी है और ये वाली छोटी है छोटी वाली को बाहर रखते हैं बड़ी वाली को अंदर रखते हैं तो छोटी वाली को हम क्या लिखेंगे एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन ये हमारे पास क्या हुई छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू को क्या करेंगे हम अंदर लिखेंगे x का क्यूब प्लस सिक्स एक्स का स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टू अब यहाँ पर हमने ऐसा नंबर लिखना है जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए और ये पहला नंबर जो है वो लाजमी हमने कैंसिल करवाना है यहाँ पर हम ऐसा क्या कौन सा नंबर या वैल्यू या अल्फाबेट लिखें जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए सेम एक्स का क्यूब ही आ जाए याद रखिए जो भी हो हमने पहली वैल्यू लाजमी कैंसिल करवानी बेशक पीछे आगे वाली वैल्यूज कैंसल ना हो अब यहाँ पर एक्स ऐसी कौन सी चीज़ है यहाँ पर मैं क्या करता हूँ वन वन जब एक्स का क्यूब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगा एक्स का क्यूब ही आता है प्लस और प्लस प्लस आएगा वन जब अब जो वन है वो इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा अब एक्स का स्क्वायर जब वन के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या होगा एक्स का स्क्वायर प्लस और प्लस प्लस एक्स जब वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स ही आएगा प्लस और प्लस प्लस ही आता है वन जब वन के साथ मल्टीप्लाई होगा वन ही आएगा तो वन यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखेंगे ये इन तमाम के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा यहाँ तक करने के बाद जब यहाँ आएंगे तो इसके बाद अब हमने साइंस चेंज करनी है जो नीचे वाली वैल्यूज हमारे पास लिखी गई है इनका हमने क्या करना है साइन चेंज पॉजिटिव है नेगेटिव कर देना है नेगेटिव है पॉजिटिव अब एक्स ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया ये पॉजिटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव नेगेटिव आपने क्या करना है अब ये जो ऊपर वाले जो साइंस है मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव आपने इसको नहीं देखना आपने अब नीचे वाले को देखना है अब जो इनके असल साइन है वो कौन से हैं नीचे वाले अब इनकी कैंसिलेशन करते हैं देखें पॉजिटिव एक्स का क्यूब नेगेटिव एक्स के क्यूब के साथ क्या हो गया कैंसिल हो गया पीछे देखें हैं हमारे पास क्या बचा सिक्स एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ क्या बचा हमारे पास फाइव एक्स का स्क्वायर। सेवन एक्स का सेवन एक्स था उसमें से एक एक्स कैंसिल हुआ क्या बचा हमारे पास सिर्फ सिक्स एक्स टू में से वन कैंसिल हुआ हमारे क्यों कैंसिल हुआ नीचे वन है माइनस है सॉरी टू में से वन माइनस हुआ हमारे पास क्या बचा वन तो ये रहा हमारे पास अब देखें एक और बात समझने की जरूरत है मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि बाहर वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए अंदर वाली वैल्यू क्या हो सॉरी बाहर वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए अंदर वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए अब यहाँ पर देखें ये फाइव एक्स का स्क्वायर है और बाहर क्या है एक्स का क्यूब हमारे पास उल्टा हो गया बाहर बड़ी हो गई अंदर छोटी हो गई जब आपके पास इस तरह आ जाए तो हमने क्या करना है अंदर वाली वैल्यू को बाहर ले जाएंगे और बाहर वाली वैल्यू अंदर ले आएंगे ये आपके समझाने के लिए मैंने लाइन लगाया क्या करना है हमने हमेशा छोटी वैल्यू बाहर रखनी है अगर हमारे पास अंदर छोटी वैल्यू आ जाए तो हमने इसको बाहर ले जाना है और बाहर वाली देखिए बड़ी वैल्यू ये एक्स का क्यूब है और ये एक्स का स्क्वायर है फाइव को ना देखें यहाँ पर कुछ भी हो मगर यहाँ देखें ये यह स्क्वायर है और ये क्यूब है तो तीन बड़ा होता है या दो तो तीन बड़ा होता है इसलिए बाहर वाली वैल्यू बड़ी हो गई तो इसको हम अंदर ले आएंगे अंदर वाली वैल्यू को बाहर ले जाएंगे किस फॉर्म में बनता है फाइव एक्स का स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस वन ये क्या है ये अंदर वाली वैल्यू है हम इसको कहां ले बाहर बाहर अब बाहर वाली जो वैल्यू थी अंदर ले आते हैं x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस x प्लस वन हमारे पास ये इस फॉर्म में आया अब देखें ये फाइव एक्स का स्क्वायर है ये क्यूब है अब हम फाइव एक्स के स्क्वायर कुछ भी हम अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाए तो नीचे फाइव एक्स आएगा तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा यहाँ देखिए फाइव लगा है अगर एक्स सिर्फ फाइव ना होता अगर फाइव ना होता सिर्फ एक्स स्क्वायर होता तो यहाँ पर हम एक्स लगा लेते 2x और एक एक्स एक्स का क्यूब कंप्लीट हो जाता मगर यहाँ पर फाइव एक्स है तो इसके इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको फाइव से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये जो तमाम हमारे पास लिखा गया है इसको हम क्या करेंगे फाइव से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे ये फाइव अब इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई हो गए। जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने में आसानी होगी फाइव और एक्स क्यूब जब मल्टीप्लाई होंगे क्या हो जाएगा फाइव एक्स का क्यूब प्लस और प्लस प्लस 5 जब x स्क्वायेयर के साथ मल्टीप्लाई होगा फाइव का जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा 5 एक्स फाइव जब वन के साथ मल्टीप्लाई होगा फाइव वन और फाइव ये फाइव कहां से आया हमने खुद से लगाया क्यों लगाया अब देखिए हमारे पास क्या है 5x का क्यूब यहाँ पर क्या है 5x का स्क्वायर अब यहाँ पर हम ऐसी कौन सी वैल्यू लिखे जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए जो 5x क्यूब हमारे पास आ जाए 5x स्क्वायर तो पहले से मौजूद है सिर्फ एक x कम है तो यहाँ पर हम सिर्फ एक x लिखते हैं अब ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे फाइव तो फाइव तो सेम एज इट इज आएगा एक्स दो यहां पर है और एक एक्स यहां पर रहा क्या हो गया एक्स का क्यूब तो हमारे पास पहला वाला फिर से कंप्लीट अब ये जो एक्स है वो इन तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस और प्लस प्लस हो जाएंगे सिक्स एक्स जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या होगा सिक्स एक्स का स्क्वायर प्लस और प्लस प्लस एक्स जब वन के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या होगा एक्स आएगा अब यहां, जब, यहां तक जब हम आते हैं उसके बाद हमने क्या करना होता है साइन चेंज करेंगे ये पॉजिटिव है नेगेटिव ये पॉजिटिव है नेगेटिव ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया देखते हैं अब कैंसिलेशन करते हैं हमारे पास क्या आता है पॉजिटिव फाइव एक्स नेगेटिव फाइव एक्स कैंसिल यहां पर देखें फाइव एक्स से माइनस देखिए माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर बड़ा है तो माइनस सिक्स एक्स में से फाइव एक्स स्क्वायर निकला क्या बचा माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस क्यू क्योंकि ये वाला बड़ा है फाइव फाइव एक्स में से एक एक्स निकला तो क्या बचा हमारे पास फोर एक्स प्लस फोर एक्स और ये जो फाइव है ये सेम इज इट इज नीचे आ जाएगा प्लस फाइव हमारे पास यहाँ तक आया अब देखिए इसमें से हमने क्या करना है कॉमन लेना है ये जो नेगेटिव है ये इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे यहां पर मैं लिखूंगा टेकिंग कॉमन कॉमन लेंगे अब इन तमाम में से कॉमन क्या आ रहा है तो तीनों में से कॉमन नहीं है जब कॉमन नहीं हो इन तीनों में से तो याद रखें हम वन कॉमन ले सकते हैं तो साइन नेगेटिव को खत्म करने के लिए हम नेगेटिव वन कॉमन लेते हैं अब इस नेगेटिव की वजह से इन तमाम का क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा एक्स का स्क्वायर नेगेटिव था पॉजिटिव ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा हमारे पास ये इस फॉर्म में बचा अब देखें फिर से क्या हुआ अंदर वाला क्या हो गया छोटा हो गया बाहर वाला बड़ा हो गया ये देखिए फाइव एक्स का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर तो सेम है मगर यहाँ पर क्या है फाइव है फाइव है मगर यहाँ पर नहीं है तो फाइव एक्स स्क्वायर बड़ा हुआ और ये छोटा हुआ तो हमने क्या करना था कि अंदर वाला बड़ा होना चाहिए बाहर वाला छोटा तो हम रिप्लेसिंग फिर से करेंगे अंदर वाला जो था उसको बाहर ले आएंगे और जो बाहर वाला है उसको क्या कर देंगे अंदर ले जाएंगे ये लाइन्स आपके समझाने के लिए मैंने लगाई अब किस किस फॉर्म में आएगा हमारे पास देखें अंदर वाले को हम बाहर लिखेंगे क्या है एक्स का स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव ये लिखा बाहर वाला क्या था ये था इसको क्या कर देंगे अंदर कर देंगे ऐसा हमने क्यों किया हमने इसलिए किया कि डिवीजन में हमेशा जो अंदर वाला रकम होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए अब देखें हमारे पास क्या हुआ एक्स छोटा हुआ अंदर वाला बड़ा हुआ अब यहां पर हम ऐसी कौन सी वैल्यू लगाएं जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए एक्स स्क् के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो फाइव एक्स जाए। एक्स स्क्वायर तो पहले से मौजूद है तो सिंपल सी बात है यहां पर हम क्या लिखें फाइव फाइव जब एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा फाइव एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस फोर फाइव आर ट्वेंटी और एक्स माइनस प्लस माइनस फाइव फाइवर ट्वेंटी फाइव हमारे पास ये आया अब क्या करना है हमने साइंस चेंज करने हैं देखिए फिर से पॉजिटिव है नेगेटिव नेगेटिव है पॉजिटिव नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया ये साइंस हमने लाजमी चेंज करने हैं अब देखिए हमारे पास क्या बचता है पॉजिटिव फाइव एक्सक्वा नेगेटिव फाइव एक्सक्वायर के साथ कैंसिल हो गया ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव अब आपने ऊपर वाले साइन ब्लू वाले साइन को ना देखे ब्लैक वाले साइंस को देखे पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या हो गया ट्वेंटी प्लस और प्लस ट्वेंटी में वन एड करे प्लस ट्वेंटी ये हो गया हमारे पास अब फिर से क्या करना है हमने कॉमन लेंगे टेकिंग कॉमन कॉमन क्या आ रहा है दोनों में कॉमन क्या है 26 सिक्स 26 कॉमन लिया 26 बाहर आया पीछे क्या बचा x प्लस 26 था यहाँ पे वो बाहर आया पीछे कुछ नहीं बचा कुछ नहीं होता तो हम क्या लिखते हैं 1 तो अब देखें अंदर वाला फिर से छोटा हो गया बाहर वाला क्या है बड़ा है फिर से हमने चेंज करना है जब तक अंदर वाला बड़ा रहेगा उसको हम रहने देंगे जब अंदर वाला छोटा हो जाएगा तो इसको बाहर ले जाएंगे और बाहर वाले को क्या कर देंगे अंदर ले आएंगे ये हो गया हमारे पास अब देखें इसको हम बाहर ले जा रहे हैं x प्लस वन बाहर वालों को अंदर लिखेंगे एक्स स्क्वाइनस फोर एक्स माइनस फाइव ये हुआ हमारे पास अब यहां पर हम ऐसी कौन सी वैल्यू लिखें जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाए एक्स का स्क्वायर आ जाए तो एक एक्स पहले से मौजूद है सिंपल सी बात है हम एक और एक्स लिखेंगे ये क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस और प्लस प्लस हो गए वन जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स हो जाएगा हमारे पास अब क्या करना है फिर से हमने साइंस चेंज करने हैं ये पॉजिटिव है नेगेटिव ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया हमारे पास ये इस फॉर्म में आया पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल हो गए आगे देखें माइनस और माइनस क्या होते हैं प्लस होते हैं माइनस और माइनस आपस में प्लस होते हैं मगर साइन माइनस का लगता है 4x और 1x क्या हो गए 5x ये वाला 5 जो है वो सेम एज इट इज हमारे पास आ जाएगा अब यहां पर हम ऐसी कौन सी रकम लिखें जो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाए 5x आ जाए तो x तो पहले से मौजूद है सिंपल सी बात है हम माइनस -5 लिखेंगे अब -5 क्यों लिखा मैं आपको बताता हूं -5 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा देखिए प्लस माइनस माइनस एक्स जब फाइव के साथ मल्टीप्लाई होगा फाइव एक्स प्लस माइनस माइनस वन जब फाइव के साथ मल्टीप्लाई होगा फाइव हमने माइनस इसलिए लगाया ताकि यहां पर साइन चेंज हो सके ये नेगेटिव है पॉजिटिव ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया अब ये जब ये साइन चेंज हुए तो ये हमारे पास क्या हो रहा है कैंसिल हो रहे हैं अब देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसल क्या बचा ज़ीरो ज़ीरो बचा हमारे पास तो हमारा एच क्या आया हमारा जो एच है ये एच होगा हमारा ठीक है यहाँ पर लिखेंगे एच सी एफ़ को हम किस चीज़ से जाहिर करते हैं सिर्फ एच से हमारा एच क्या आया x प्लस यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ x प्लस वन आया ठीक है हमारा एच क्या आया x प्लस वन आया एच सी एफ जब हमने फाइंड आउट किया उसके बाद हम क्या करेंगे यहां पर मैं लिखूंगा वी नो दैट हमें यह बात मालूम है ये चीज आपने सिर्फ याद रखनी है वी नो दैट हमें क्या मालूम है एल इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाई बी और एच अब देखिए एल से क्या है एल सी एम एच से क्या है एच सी एफ ए और बी क्या है ये आपका ए हुआ और ये आपका बी है ये आपके समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं ये ए है और ये बी है अब आप तमाम वैल्यूज हम पुट करेंगे देखते जाइए हमारे पास मौजूद नहीं है तो एल एल हम से लिखेंगे। A हमारे पास क्या है ये वाली वैल्यू एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस, प्लस वन ये रहा मल्टीप्लाई साइन है ये ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई को जाहिर करते हैं बी हमारे पास क्या है ये रहा एक्स का क्यूब प्लस सिक्स एक्स का स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टू ये हमारे पास क्या हुआ ये हमारे पास है बी मैं ये लाइन लगा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे अब ये हमारे पास क्या हुआ बी अब डिवाइड करवाएंगे किस, किस से डिवाइड करवाएंगे एच से एच हमारे पास क्या था एच को हम एच से जाहिर करते हैं एच क्या है हमारे पास एक्स प्लस वन ये हुआ हमारे पास अब हम यहां पर थोड़ी सी इंग्लिश और लिखेंगे ताकि आपके सवाल में खूबसूरती आ सके और जो चेक करने वाला है उसे भी समझ आ सके डिवाइडिंग डिवाइडिंग फर्स्ट polynomial dividing first polynomial by denominator denominator अब मैंने क्या लिखा डिवाइडिंग डिवाइड करेंगे फर्स्ट पोलिनोम मैंने आपको बताया था ये क्या हमारे पास फर्स्ट पोलिनोम डिवाइडिंग फर्स्ट पोलिनोम बाय डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर किसको कहते हैं नीचे वाले को अब फर्स्ट पोलिनोमल को हम डिवाइड करवाएंगे डिनोमिनेटर से यहां पर मैं लिखूंगा थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ x प्लस वन डिवाइड करवाएंगे पहला पॉलीनोमियल क्या है हमारे पास x का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन हमने ये लिखा अब यहाँ पर हम ऐसी कौन सी वैल्यू लिखें जो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाए x का क्यूब आ जाए सिंपल सी बात है एक x पहले से मौजूद है तो हम टू एक्स लिखेंगे सॉरी x का स्क्वायर लिखेंगे x का स्क्वायर लिखा तो क्या हो जाएगा x का क्यूब ये जब दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे एक एक्स ये रहा दो ये रहा तो एक्स का क्यूब बन गया प्लस और प्लस प्लस वन जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स का स्क्वायर आ जाएगा अब हमने क्या करना है साइंस चेंज करना ये माइनस हो जाएगा ये पॉजिटिव है माइनस हो जाएगा अब ये ये जो दो वैल्यूज़ सेम एज नीचे आएंगे ये लाइंस आपके समझाने के लिए मैं लगा रहा हूं अब देखें पॉजिटिव और नेगेटिव ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो गए क्या बचा हमारे पास एक्स प्लस वन अब यहां पर हम ऐसा कौन सा नंबर लिखे जो इसके साथ एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाए एक्स आ जाए एक्स पहले से मौजूद है तो सिंपल सी बात है हम वन लिखेंगे एक्स जब वन के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स जार, एक्स प्लस और प्लस प्लस वन, वन जार, वन अब क्या होगा साइंस चेंज होगी ये पॉजिटिव है नेगेटिव या पॉजिटिव है नेगेटिव ये कैंसिल ये कैंसल क्या आया जीरो और जीरो अब थोड़ा सा जो मैं यहां पर लिखूंगा समझने की जरूरत है यहां पर फाइनल हम इसका आंसर लिखेंगे देखिए एच में हमने कुछ और लिया था ये हम एच सी एफ ने सिंपल डिवाइड डिवाइडिंग कर रहे हैं जब डिवाइड एच सी एफ़ में हमने क्या किया था हमने एच सी एफ में ये वाली वैल्यू उठाई थी आप देखें मैंने मिटा दिया एच सी एफ़ में हमने ये वाली वैल्यू उठाई थी मगर डिवाइडिंग जब डिवाइड करेंगे तो हम ये वाली वैल्यू उठाएंगे अब देखें हमने ये और ये वैल्यू डिवाइड करवाई तो क्या आंसर आया हमारे पास एक्स का स्क्वायर एल लिखेंगे सबसे पहले एल लिखा ये वाला ये और ये वैल्यू आपस में डिवाइड हुई आंसर क्या है एक्स का स्क्वायर प्लस वन एक्स का स्क्वायर प्लस वन सिर्फ ये बचा हमारे पास क्या है एक्स का क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टू तो ये आपका क्या है आंसर है